नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। ईसीएल के हिंदी राज्य भाषा की तरफ से आज झालबगन के डीसेगढ़ क्लब में एक समापन सम्मेलन का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर ईसीएल के सीएमडी के साथ साथ ईसीएल के दिगर अफसरान भी मौजूद थे। इस बार राज्य भाषा पखवाड़ा में जो प्रोग्राम तरतीब दी गई उसमें पहली बार स्कूल के बच्चों को भी शामिल की गई और उनके लिए ड्राइंग, राइटिंग और लिटरेचर का मुकाबला किया गया। उनके साथ साथ ईसीएल की जानिब से जो बच्चे पार्टिसिपेंट किए थे उन कामयाब होने वाले स्टूडेंट को एजाज़ और इनाम से भी नवाजा गया, जिसकी वजह कर बच्चों में काफ़ी खुशी की माहौल देखी गई। राज्य भाषा पखवाड़े की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक्किद की गई थी उसमें एक पार्ट कवि सम्मेलन का भी था और उस कवि सम्मेलन में जो ईसीएल के वर्कर है वो पार्टिसिपेंट किए और अपनी पोएट्री से लोगों का दिल जीता। आज ऐसे ही कुछ राइटर से आपकी मुलाकात करवाता है जिनकी पोएट्री को आप जब सुनेंगे तो लगे आपको लगे कि ये नई नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आइए तफसील रिपोर्ट अपने रिपोर्टर के साथ देखते हैं। मेरे आसपास में जो ये विवेक है ये मेरे सहकर्मी भी है और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है, तो इनका प्रोत्साहन हमेशा हम लोगों को रहता है। और ये शशांक जैन है, इनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि मैं जब कविता सिलेक्ट कर रही थी तो मैं इस कविता को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर इन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये कविता पढ़नी चाहिए और मेरी कविता को एक पूरा रूप देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये मेरी ये मेघा है, ये भी मेरी सहकर्मी और एक मेरी बहुत अच्छी मित्र है, मैं इन सभी को आज के इस दिन के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी पोइट्री का नाम था मेरी खामोशियाँ पहचानो ना, मेरी खामोशियाँ पहचानो ना, कह नहीं पाती हूँ मैं जिन बातों को अपनी जुबान से, मेरी आँखों की गहराई में उतर कर जानो ना, मेरी खामोशियाँ पहचानो ना। खो जाती हूँ मैं कभी कभी अपने ही ख्यालों में, भीड़ में रहकर भी निकल जाती हूँ अपने सवालों में, मेरी इस उलझन को तुम जानो ना, मेरी इस उलझन को तुम जानो ना, मेरी खामोशियाँ पहचानो ना। आखिरी की कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगी कि पाती हूँ कभी कभी खुद को अकेला मैं, यही दुविधा मेरे जीवन की है, कुछ ढूँढती हूँ कुछ खोजती हूँ, तलाश मेरे स्वयं की है, चाहती तो हूँ मुझे मुझसे बेहतर तुम जानो ना, मुझे मुझसे बेहतर तुम जानो ना, मेरी खामोशियाँ पहचानो ना, मेरी खामोशियाँ पहचानो ना। नमस्कार, मैंने मैं मोदी शशांक जैन, हिंदी दिवस पे मैंने भी एक कविता का पाठन किया था, मैं चाहता हूँ कि मैं आज उसको दोबारा पाठ करूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कुछ चेहरे गुमनाम अभी जिनका नाम बनाना बाकी है। कविता है कुछ चेहरे गुमनाम अभी जिनका नाम बनाना बाकी है, क्या करना क्या ना करना, किस पथ पर है आगे बढ़ना, ये बात जानना बाकी है, कुछ नाम बनाना बाकी है। यूं थक कर के ना हारना तुम, यूं थक कर के ना हारना तुम, तुम्हें पहचान बनाना बाकी है, यूं ना हताश करो मन को, ये जंग जीतना बाकी है, तुम्हें पहचान बनाना बाकी है। मैं उन सभी लोगों को जो अभी हताश हो गए हैं उनके लिए चार सजेशंस देना चाहता हूँ। तुम शून्य से कुछ शुरुआत करो, तुम शून्य से कुछ शुरुआत करो, छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करो, बाधाएं तो आएंगी, तुम डटकर संवाद करो, ये तो देखो निश्चित है सफलता तो मिल जाएगी, ये तो देखो निश्चित है सफलता तो मिल जाएगी, बस अपनी मेहनत पर विश्वास करो, बस अपनी मेहनत पर विश्वास करो। नहीं रहो तुम सदा अकेले, आजकल के लोग क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर वो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं रहो तुम सदा अकेले, सभी से तुम बात करो, जिसका प्रयास सतत है जारी, जिसका प्रयास सतत है जारी, उसका तुम सम्मान करो। हर सिक्के के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं, हर एक की तुम पहचान करो, कुछ चेहरे हैं गुमनाम अभी, अब इनका तुम नाम करो, अब इनका तुम नाम करो। धन्यवाद। मैडम क्या नाम हुआ आपका और अभी किस जगह आप जॉब करते हो? राज्य भाषा के मौके पर हम लोगों ने देखा कि आपने एक काव्य पाठ की थी, एक पोएट्री पढ़ी थी, हम चाह रहे हैं कि हमारी ऑडियंस के साथ आप उसको शेयर करें।
कविता का नाम था कृष्ण की दीवानी, जो कि मेरे फीलिंग्स थे जो कि भगवान कृष्ण के लिए थे। उसका शीर्षक है कृष्ण की दीवानी। ना मैं मीरा ना मैं राधिका प्यारी हूँ, फिर भी मैं कृष्ण दीवानी हूँ। ना ही द्वापर ना ही त्रेता में जन्मी हूँ, मैं तो कलयुग की एक नारी हूँ, फिर भी मैं कृष्ण दीवानी हूँ। ना ही तेरे बंसी के धुन को सुनी हूँ, ना ही तेरे संग रास रचाई हूँ, फिर भी मैं कृष्ण दीवानी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेट, आपने आज अवार्ड जीता है। आपका क्या नाम है और आप किस स्कूल से बिलोंग करते हो? मेरा नाम मोहम्मद नाजिमुद्दीन है और मैं पारबेलिया कोलियरी हिंदी हाई स्कूल में पढ़ने वाला अष्टम कक्षा का छात्र हूँ। आज को आपको अवार्ड मिला, ये पाकर कैसा लग रहा है? ये पाकर बहुत अच्छा फील हो रहा। और आपके जो टीचर हैं, जो संस्कार सिखा रहे हैं, उनके बारे क्या? मेरे टीचर, वैसे बोला जाए तो हमको मेरे टीचर से बहुत लगाव है और मेरे टीचर बहुत मतलब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत कुछ वो सिखाते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। टीचर लोग का बहुत आभार है। हम लोग मैं अपने टीचर मैं जिस पुरस्कार जीती हूँ हिंदी पुरस्कार, उस पुरस्कार के लिए मैं अपनी विधवा माँ को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें हिंदी के बारे में सही जानकारी दी, जिन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया हिंदी को लेकर। फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में हम भी एक शिक्षक बनना चाहते हैं। मैम, आज बच्चों ने जो प्राइज जीता है, हाथ में अवार्ड है, सर्टिफिकेट है, और जाहिर से बात है कि बीइंग एज ए टीचर जब स्टूडेंट अच्छा करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो टीचर को बड़ी खुशी होती है। आज का ये नज़ारा देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं विद्योत्मा झा, पारबेलिया हिंदी हाई स्कूल की हिंदी की शिक्षिका हूँ और इस कार्यक्रम में पिछले में कई वर्षों से अपने विद्यार्थियों के साथ आती रहती हूँ। और बच्चे जब भी पुरस्कृत होते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए खुशी और गर्व की बात होती है। इन्हें देखकर हमारे दूसरे बच्चे भी उत्साहित होंगे। मैं तो इसके लिए अपने विद्यालय में प्रयास करती ही रहती हूँ और इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों ने देखा कि ECL जो स्कूल को जोड़ी है राज्यभाषा के मौके पर, ये देखकर कैसा लगा, इसके बारे में जी? ECL ने अच्छा कदम उठाया है। राजभाषा हिंदी का महत्व सभी को जानने का अवसर मिलता है इस तरह के कार्यक्रमों से, और ECL के इस पहल का मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ ECL बच्चों को इसी तरीके से आगे भी भविष्य में इन कार्यक्रमों से जोड़े रखेगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, कुछ विशेष कारणों से यह सितंबर माह अति विशिष्ट हो गया है, क्योंकि इस सितंबर माह के अंत से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज माँ कुष्मांडा की अर्चना होगी, क्योंकि आज ये हिंदी माह का समापन सम्मान समारोह है, तो इस समारोह के इस दिन में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, वह है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। इसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगी और आप सभी उसका उस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन मैं जब सवाल पूछूंगी तो आप सिर्फ हाथ खड़े करेंगे और मैं जिनसे पूछूंगी कृपया वही उत्तर देंगे। अगर कोई गलत बोलता है तो वही प्रश्न किसी और के पास पास होगा। चाटर्जी जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय श्री पुण्यदेव भट्टाचार्य सर से बहुत बहुत धन्यवाद कार्यालय में दिव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये बहुत आगे से हमारे